एनबीसी न्यूज की प्रदेश के खबरों में मैं क्षितिजा देशमुख का आप सभी का स्वागत करती हूँ। डालते नजर प्रदेश के खबरों पर, जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पूर्व एमएलसी विधान परिषद नसीम पठान के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर पूर्व विधायक बंसी सिंह पहाड़िया, सुभाष गांधी, सैयद मुनीर अकबर, अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष रहमत राणा, जिला अध्यक्ष शाबाद खान, पूर्व मंत्री हर्षवर्धन वाल्मीकि, अशोक सोलंकी ने संयुक्त बयान में कहा कि स्वर्गीय नसीम पठान जी लगभग 1972 से कांग्रेस में हैं। बड़े खुशमिजाज आदमी थे, कार्यकर्ताओं से ऐसे मिलते थे जैसे बहुत पहले से उन्हें जानते हो। पठान जी जिला अध्यक्ष NSUI के प्रदेश महासचिव, युवा कांग्रेस के युवा सचिव महासचिव रहे हैं व DCPF के बिजनौर चेयरमैन भी रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे, ASCC के अल्पसंख्यक विभाग व सेवा दल के सचिव रहे हैं। दो बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। विधान परिषद के नेता रहने के साथ ही पिछले 30 सालों से PCC AICC के सदस्य रहे हैं। अभी हाल ही में श्रीमती प्रियंका गांधी द्वारा गठित उत्तर प्रदेश प्रोग्राम इंप्लीमेंट कमेटी और देश के प्रति जिले में उनकी पहचान थी। इस मौके पर सलीम सैफी, इसराइल खां, अजरुद्दीन राणा, मुनी सखा, सैयद मुनीर अकबर, शाहरुख खान, इम्तियाज अहमद, रईस अहमद, दानिश भाई, दिलशाद शाहरुख, शाबाद खान आदि लोग मौजूद थे। जिला NSY के अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव DCDF के चेयरमैन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और महासचिव। इसके अलावा आज वो हमारे बीच में नहीं है। अभी जो श्रीमती प्रियंका गांधी प्रभारी उत्तर प्रदेश ने जो सूची जारी की, उत्तर प्रदेश प्रोग्राम इंप्लीमेंट कमेटी, उसका मैं भी सदस्य हूँ और वो भी सदस्य थे। और इससे पहले वो हमारे ऑल इंडिया मंडी के सेक्रेटरी रहे, प्रदेश में सेक्रेटरी महामंत्री रहे और पिछले 25 वर्ष से AICC के मेंबर, PGT के मेंबर थे। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट। सिकंदरा थाना क्षेत्र के रजधान खेतों में पेड़ से लटकता हुआ मिला युवक का शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी राजा राम चौधरी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु उसे मेडिकल अस्पताल भेज दिया। जांच में जुटी पुलिस तो वहीं मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, साथ ही साथ शव की भी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। झिझक कस्बा के नहर में एक मासूम बच्चे का बहता शव देखकर लोगों में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची झिझक चौकी पुलिस ने शव को लेकर अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि मासूम करीब 5 से 6 महीने का ही बताया जा रहा है। मौत होने के बाद इसे नहर में जल प्रवाह करने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मंगलपुर थाना क्षेत्र के झिझक कस्बे का मामला होने से कानपुर देहात से में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कानपुर देहात से संवाददाता रजा मोहम्मद की रिपोर्ट। सोमवार को हाथरस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर हुए हमले को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। मंगलवार को आपके दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर पर धरना देते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह को JD+ सुरक्षा देने की मांग उठाई है। पार्टी के प्रदेश सचिव अंकुश चौधरी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह पार्क में धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। अंकुश चौधरी ने आरोप लगाया कि जिस तरह हाथरस में SDM की गाड़ी में बैठे पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर इंक फेंकने के साथ पथराव किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुलिस की मौजूदगी में एक सांसद पर हमला हो सकता है तो फिर हाथरस पीड़ितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी UP पुलिस कैसे ले सकती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथरस के पीड़ित परिवार और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को Z+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की है। हमारी मांग ये है, जिस तरीके की हाथरस की गुड़िया के न्याय को लेकर हम लोग ये मांग कर रहे हैं, तमाम जगह रोज नई नई घटनाएं सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा, देश के संविधान को इन लोगों ने ताक पे रख दिया। कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उस गांव में गया, पीड़ित परिवार से मिलने गया और पुलिस की SDM की गाड़ी के अंदर सांसद जी पर और तमाम विधायक गणों पर जिस तरीके इंक डालने का काम किया गया, पत्थर वहाँ पर चले, तो ये हो क्या रहा है।
कि तमाम जितने भी लोग हैं अगर उस पीड़ित, जब सांसद और विधायक जो एसडीएम की प्रशासन की गाड़ी में है वो सुरक्षित नहीं है, तो उस पीड़ित का परिवार वहाँ कैसे सुरक्षित है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों का मरीजों के साथ बदसलूकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में डॉक्टर इलाज कराने आए मरीज के तीमारदार से दुर्व्यवहार करते नजर आए। मरीज के तीमारदार का आरोप है कि डॉक्टर से मरीज को देखने को कहने पर डॉक्टर ने आपा खो दिया और बदसलूकी की है। इस मामले में मेडिकल प्रिंसिपल ने जांच की कार्यवाही की बात कही है। दरअसल मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार में रहने वाले लक्ष्मी सिंह को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उनका पड़ोसी दीपक उसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले गया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर जब उसने डॉक्टरों से देखने को कहा तो उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। आरोप है कि जब उसने दोबारा कहा तो डॉक्टर आग बबूला हो गए, उसके साथ बदसलूकी भी की गई। दीपक ने इसकी शिकायत सीएमओ से की है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य में जांच बैठा दी गई है। साथ ही कहा गया है कि जांच में दोषी पाए जाने पर विभागीय जांच की कार्यवाही की जाएगी। तक लिए के साथ साथ ही मेरे लिए भी बहुत शर्मनाक की बात है अगर हमारे डॉक्टर इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, कि जबकि डॉक्टरी पैसा बिल्कुल हम लोग ये मानते बहुत पायस है और बहुत ही नोवल है कि इसमें हमें अपने व्यवहार को ठीक रखना है, क्योंकि उस समय मरीज जो भी आता है उनकी मनोदशा दूसरी तरह की होती है, वो स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में, अगर कुछ वो कहते भी हैं उल्टा सीधा भी कहते हैं, लेकिन हम डॉक्टर्स को अपना व्यवहार को संयम रखना चाहिए। पड़ोसी को लेकर आया था, पेशेंट थे, उनको मेरे पड़ोसी हैं, उनको सांस में दिक्कत हो रही थी। अच्छा, क्या उनको मैं मेरठ मेडिकल में लेकर आया था। मेरठ मेडिकल में लेने के बाद में यहाँ पे क्या फर्स्ट एड होता है कैजुअल्टी में, कोई मतलब बिल्कुल मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना पेशेंट की दिखाने की, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर लोग बहुत मिसबिहेव करते हैं।